अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आई टी स्टफ। मेरा नाम है आमिर भगत और आज हम कल की वीडियो का लास्ट वीडियो का फॉलोअप करेंगे कि अपनी खुद की प्रॉक्सी सेटिंग किस तरह बनाते हैं ताकि आपको अपने कंप्यूटर के लिहाज से उसको अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि हर किसी का कंप्यूटर डिफरेंट होता है कि कोई 720p में काम कर सकता है, कोई 1080p में काम कर सकता है, किसी को बिट रेट ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बोले वाला था, चलिए शुरू करते। तो सर्दी ना मुझे है। अभी मेरे पास पुरानी फुटेज खुली हुई है जिसमें हमने ये प्रॉक्सीज बना के रखी हुई है। मेरे पास मीडिया इनकोडर भी खुला हुआ है। तो अब मैं जाऊंगा और मैं एक नया इनकोडिंग प्रीसेट बनाऊंगा यहाँ प्लस में, नया इनकोडिंग प्रीसेट। प्रीसेट ब्राउजर कहाँ से आया, आप विंडो पे जाएं और देखें, प्रीसेट ब्राउजर ये रहा। प्लस इनकोडिंग प्रीसेट, इनकोडिंग प्रीसेट, ठीक है। अभी फिलहाल नाम रहने दें, क्विक टाइम सही है। और यहाँ से आप चूज़ करें GoPro Cineform YUV 10 bit। इसकी यूज़ करने की वजह ये, अगेन सेम वजह कि PC और Mac दोनों पर इक्वल सपोर्ट करता है, ठीक है जी। क्वालिटी आप इसको एकदम गिरा दें। क्वालिटी गिराने की वजह ये है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है हाई रेस क्वालिटी की, बिकॉज आपको पता है आपको छोटी फॉर्म एडिट करना है ताकि आप जल्द से जल्द एडिट कर सकें। फ्रेम रेट आप चाहे तो सेम रख सकते हैं। अगर वो 8K की फुटेज है वो 8K ही रहेगा, अगर वो 720 अगर वो 4K की फुटेज है तो वो 4K ही रहेगी। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं इसको ऑफ करा देता हूँ। इसको मैंने अनलिंक कर दिया, 1280 by ये लिंक हो गया था 1280 by 720। ये मैं उस वक्त कर रहा हूँ या मुझे पता है कि जो सामने वाली जो फुटेज है दैट इज़ ऑल्सो 16:9 रेशियो। इसके लिए मैं इसको 16:9 रेशियो पे रख रहा हूँ। फ्रेम रेट ठीक है, जाने देते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। बाकी बाकी सब ठीक है। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फाइनल रेंडर नहीं निकाल रहे हैं, प्रॉक्सी रेंडर निकाल रहे हैं। ये सब ठीक है। मैंने इसको लिखा 720p प्रॉक्सी प्रीसेट। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 720p प्रॉक्सी प्रीसेट बन चुका है, सही है। ये हमने बनाया इनकोडिंग प्रीसेट, मतलब अगर आपको किसी फुटेज को रेंडर करना हो तो ये यहाँ जाएगा। इसको एज अ प्रॉक्सी प्रीसेट करने के लिए आपको इसको पहले बनाना पड़ेगा इनजस्ट प्रीसेट, ठीक है जी। यहाँ पर आप जाएंगे और सबसे पहले आपका प्रीसेट नेम दे दें 720p प्रॉक्सी इनजेस्ट, क्योंकि ये आप इनजेस्ट करने वाले हैं, राइट। कॉपी फाइल टू डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट फाइल टू डेस्टिनेशन। इसमें आप कोई भी डेस्कटॉप की लोकेशन, कहीं भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। इसका सिर्फ बोलना ये है कि भाई मैं फुटेज कहाँ सेव करूँ, इसकी ज़रूरत थी। बिकॉज हमने पिछली वीडियो में देखा है कि वो आपको कह देता है कि भाई प्रॉक्सी में जो है आपके ओरिजिनल मीडिया के बराबर में बना रहा, तो इसको आप कहीं भी रखें, डजेंट मैटर। ये मैटर करता है कि आपने प्रीसेट कौन सा चूज़ किया है। अभी मैंने नया प्रीसेट बनाया 720p प्रॉक्सी प्रीसेट, ये आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है भाई। ये आपका हो गया और आपने शो कर दिया ओके डन। अब ये इसको प्रीसेट में किस तरह आएगा प्रॉक्सी प्रीसेट में, वो देखते हैं। आप प्रीमियर पे जाएं, अगेन वही चीज़, इसको आप जो है राइट क्लिक करें एंड क्रिएट प्रॉक्सी, क्रिएट प्रॉक्सीज। यहाँ पर आप देखें एट इनजेस्ट प्रीसेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आपको एट इनजेस्ट प्रीसेट करना है। अब ये डेस्टिनेशन कहाँ से आई, ये डेस्टिनेशन यहाँ से आई। यहाँ पे आप मीडिया इनकोडर ऑफिस खोलें, 720p प्रॉक्सी इनजेस्ट पे राइट क्लिक और यहाँ पर आप कर दें रिवील प्रीसेट फाइल। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी यहाँ पर। अभी मैंने बनाया है 720 प्रॉक्सी इनजेस्ट, आपने कहा ओपन, ये हो गया, सब कुछ सही है। आपने कहा ओके, अगेन वो यही करेगा कि आपका इनकोडर खोलेगा एंड आपका इनकोडिंग शुरू हो जाएगा। ये देखो पीछे इनकोडिंग शुरू हो चुका है। अब ये क्योंकि हम ऑलरेडी इस फाइल की प्रॉक्सी बना चुके हैं तो दूसरी प्रॉक्सी बना रहा होगा। और अब ये जब रेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो हम देख लेंगे कि इसकी जो फाइल साइज़ है वो कितनी कम है हमारी दूसरी फाइल साइज से। तो हमारी दूसरी प्रॉक्सी बन चुकी है, यहाँ पर आ गई है एंड अब मैं इसको लिंक आराम से कर सकता हूँ बिकॉज यू नो हाउ टू लिंक इट। सो दिस इज़ हाउ यूज़ प्रॉक्सी। पहले वीडियो में आपने देखा कि डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी किस तरह यूज़ करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि आप प्रॉक्सी खुद की किस तरह बना सकते हैं अपनी कस्टमाइज नीड से। सो आई होप कि आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रॉक्सीज यूज़ करें। हम अक्सर प्रॉक्सीज यूज़ नहीं करते बिकॉज वी हैव अ गुड इनफ कंप्यूटर, बट कल जब मैंने अपने कंप्यूटर में 8K को डाल के देखा तो मुझे लगा कि कंप्यूटर इज नॉट गुड इनफ। तो वी विल ऑल्सो यूज़ प्रॉक्सीज ऑन द बिगर प्रोजेक्ट्स। तो
ताकि आपका कंप्यूटर जल्द से जल्द काम कर सके। आई होप कि आपने कुछ सीखा उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करें। कुछ कमेंट्स में लिखेंगे आपको अगली वीडियो में क्या सीखना है। एंड इसी तरह बस देखते रहिए आईटी स्टफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।